नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी हार से घबराई बीजेपी की, कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक की। देखेंगे तेलंगाना में बीआरएस को लगे झटके को, पीएम मोदी के दावे पर कांग्रेस अध्यक्ष के बड़े खुलासे को, जानेंगे एक और हाईकोर्ट जज के राजनीति में आने के ऐलान को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कॉरपोरेट टैक्स कटौती को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, कहा अरबपतियों को मिला फायदा, जबकि आज भी कर और महंगाई के बोझ से दबा हुआ है मिडिल क्लास। हरियाणा में सोमवार से कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत, दीपेंद्र हुड्डा रोज दो विधानसभा में करेंगे पदयात्रा। केपी शर्मा ओली होंगे नेपाल के नए प्रधानमंत्री, सोमवार को सुबह 11 बजे लेंगे शपथ, पुष्प कमल दहल प्रचंड की लेंगे जगह। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वालों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का सख्त बयान, कहा गद्दारों की कर ली गई है पहचान, जल्द की जाएगी कार्रवाई। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बीजेपी को लगातार चुनावी हार मिल रही है। लोकसभा चुनाव में हार मिली तो किसी तरह से क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर सत्ता में आ गई, लेकिन जनता ने उपचुनावों में बीजेपी को एक बार फिर सबक सिखा दिया। हार के बीच अब पार्टी नेताओं की बौखलाहट सामने आ रही है, और इस बौखलाहट में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐसा बयान दे दिया जिससे मोदी सरकार को समर्थन दे रहे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का भड़कना तय माना जा रहा है। बीजेपी लगातार चुनाव हारती जा रही है। लोकसभा चुनाव में पार्टी को बहुमत नहीं मिला, उसके बाद हाल ही में 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए तो उसमें भी उसे करारी हार मिली। 13 में से 11 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को हार मिली है, तो इंडिया गठबंधन ने 10 सीटों पर कब्जा जमा लिया। उपचुनाव के परिणाम के अगले ही दिन लखनऊ में बीजेपी नेताओं की बैठक हुई तो हार की हताशा पार्टी नेताओं के चेहरे पर दिखाई दी, और इसी बीच जेपी नड्डा ने ऐसा बयान दे दिया जिससे एनडीए में ही घमासान मचता दिखाई दे रहा है। जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं से कहा कि बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी की विचारधारा नहीं है, वो मौका देखकर किसी से भी गठबंधन कर लेती है। नड्डा के बयान से जेडीयू और टीडीपी में नाराजगी दिखाई देने लगी है, क्योंकि पिछले 5 साल में ये दल 3 बार पाला बदल चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि नड्डा ने बिना अपने सहयोगियों का नाम लिए उन्हीं पर करारा तंज कस दिया है। 3 साल पहले भी नड्डा ने क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर बयान दिया था कि सभी क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होकर सामने आई है। यहां तक कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी क्षेत्रीय दलों के समर्थन पर टिकी हुई है। नड्डा के बयान से मोदी सरकार जरूर मुसीबत में फंस सकती है। बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की परेशानी भी खुलकर सामने आती दिखाई दी, और उन्होंने बीजेपी की हार के लिए सोशल मीडिया को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और इस पर लगाम लगाने की जरूरत तक कह दी। हालात ये हो गए हैं कि बीजेपी के नेता घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगने लगा है कि मोदी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, तो यूपी में भी 2027 में बदलाव तय है। लगातार मिल रही हार से बीजेपी पहले से ही बैकफुट पर है, और कांग्रेस ने उसकी परेशानी को और बढ़ाने की तैयारी कर ली है। संसद का बजट सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है। लोकसभा के बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला किया है। लोकसभा में पहले ही राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं, और पार्टी ने डिप्टी लीडर के नाम का भी ऐलान कर दिया है। तो किसे दी पार्टी ने जिम्मेदारी, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा के बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला किया है। राहुल गांधी को तो पार्टी पहले ही लोकसभा में अपना नेता चुन चुकी थी। राहुल गांधी सदन में नेता प्रतिपक्ष भी बन गए हैं, और अब कांग्रेस ने राहुल गांधी का साथ देने के लिए लोकसभा डिप्टी लीडर के नाम का भी ऐलान कर दिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि असम की जोरहाट सीट से सांसद गौरव गोगोई लोकसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर होंगे, यानी गौरव गोगोई लोकसभा में अब उपनेता प्रतिपक्ष होंगे। इसके अलावा चीफ वेप की जिम्मेदारी केरल से 8वीं बार चुनाव जीत कर आए के सुरेश को सौंपी गई है, उन्हें लोकसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक बनाया है। के सुरेश को इंडिया गठबंधन की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में भी उतारा गया था, और अब उन्हें पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मणिकम टैगोर और डॉक्टर एमडी जावेद को सचेतक नियुक्त किया गया है। वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने इसे लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर सूचना भी दे दी है। इसके साथ ही पार्टी ने ये भी साफ कर दिया है कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर संसद में जनता के मुद्दों को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने जिस सांसद को बड़ी जिम्मेदारी दी है उसमें युवा और वरिष्ठ दोनों ही सांसदों पर पार्टी ने भरोसा जताया है। एक तरफ लोकसभा में डिप्टी लीडर बनाए गए गौरव गोगोई पार्टी के युवा सांसदों में गिने जाते हैं,
तो दूसरी तरफ चीफ व्हिप बनाए गए के सुरेश कांग्रेस ही नहीं पूरी लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सांसद हैं। एक तरफ संसद में मोदी सरकार को घेराबंदी का डर सता रहा है, तो वहीं दक्षिण की सियासत में केसीआर की बीआरएस की चमक दमक फीकी पड़ गई है। लोकसभा चुनाव में बीआरएस का सूपड़ा साफ हो गया, जिसके बाद से पार्टी बिखरने लगी है। एक के बाद एक नेताओं के दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में बीआरएस को अब एक और बड़ा झटका लगा है। देखिए रिपोर्ट। तेलंगाना की सियासत गरमाई हुई है। राज्य में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस पार्टी का वजूद खत्म होता जा रहा है। जब से बीआरएस के हाथ से सत्ता गई है, तब से पार्टी की हालत बिगड़ती दिखाई दे रही है। बीआरएस बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। चुनावों में मिली हार के बाद से ही पार्टी की परेशानियां बढ़ गई हैं। बीआरएस को लगातार विधायकों और एमएलसी के दल बदल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। बीआरएस के विधायक अरेका पुड़ी गांधी कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके साथ ही राज्य में सत्तारूढ़ दल में शामिल होने वाले बीआरएस विधायकों की कुल संख्या बढ़कर 9 हो गई है। विधायक अरेका पुड़ी का मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी ने पार्टी में स्वागत किया। बता दें कि पिछले साल हुए चुनाव में बीआरएस ने कुल 119 विधानसभा सीट में से 39 पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने 64 सीट जीत कर सरकार बनाई थी, जिसके बाद से पार्टी से टूट की खबर आती रही है। लगभग 6 महीने में बीआरएस के 9 विधानसभा सदस्य और 6 विधान परिषद सदस्य यानी कुल 15 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। बीआरएस को विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से पार्टी को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी उसे तगड़ा झटका लगा। पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। आने वाले दिनों में केसीआर की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। कांग्रेस मजबूत होती जा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी मुश्किल में नजर आ रही है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट अब तक किसी फैसले पर नहीं पहुंचा है। इस बीच मोदी सरकार की योजना पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मोदी सरकार की एक देश एक परीक्षा नीति की नाकामियों की चर्चाएं तेज हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार से तीखे सवाल किए हैं। देखिए रिपोर्ट। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हर दूसरी परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है, तो अब केंद्र सरकार की नीतियां भी सवालों से घिर गई हैं। 2020 में मोदी सरकार एक देश एक परीक्षा नीति की योजना लेकर आई थी, जिसके तहत छात्र कई परीक्षाओं में बैठने की बजाय एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करके सरकारी नौकरी के लिए पात्र बन जाएंगे। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा सामने आया है कि ये एजेंसी पिछले 4 साल में करीब 58 करोड़ खर्च करने के बावजूद अभी तक एक भी परीक्षा नहीं करा पाई है। इसे लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी, शनिवार को आप मुंबई में नौकरियां देने पर झूठ का मायाजाल बुन रहे थे। मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहता हूं कि आपने NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की घोषणा करते हुए क्या कहा था। अगस्त 2020 में आपने कहा था कि NRA करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से ये कई परीक्षाओं को समाप्त कर देगा और कीमती समय के साथ साथ संसाधनों की भी बचत करेगा। इससे पारदर्शिता को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। हमारे 3 सवाल है। NRA ने पिछले 4 वर्षों से एक भी परीक्षा क्यों नहीं कराई? क्यों NRA को 1517.57 करोड़ का फंड मुहैया कराने के बावजूद 4 वर्षों में अब तक केवल 58 करोड़ रुपए खर्च किया गया है? NRA सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए संस्था बनी थी। क्या जानबूझकर NRA को निष्क्रिय रखा गया ताकि SC ST OBC व EWS युवाओं से उनके आरक्षण का हक छीना जा सके? NTA से धांधली, पेपर लीक व घोटाला कराया गया और NRA से परीक्षा ही नहीं करवाई गई। शिक्षा प्रणाली को तहस नहस करने का और युवाओं के भविष्य को तंग तबाह करने का बीड़ा बीजेपी RSS ने उठाया है। PS, हमने NRA का मुद्दा पहले भी उठाया था, पर मोदी सरकार मौन व्रत धारण करके बैठी हुई है। मोदी सरकार चौतरफा घिरती दिखाई दे रही है, तो सवाल ED CBI की निष्पक्षता पर भी उठाए जा रहे हैं। इस बीच रिटायर्ड जज ने बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान ने हंगामा मचा दिया है। तो क्या कुछ कहा रिटायर्ड जज ने, देखिए इस रिपोर्ट में। ED CBI के बाद अब न्यायपालिका के राजनीतिकरण की चर्चाएं भी जोर पकड़ रही हैं। दरअसल कलकत्ता और ओडिशा के रिटायर्ड जज जस्टिस चित्रंजन दास ने हाल ही में बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद देश की न्यायपालिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। जस्टिस दास ने अपने रिटायरमेंट पर बयान देते हुए कहा कि किसी को अपनी राजनीतिक पहचान छिपाने की जरूरत नहीं है। वो खुलकर कहते हैं कि वो RSS के सदस्य थे। उनके इस बयान को लेकर चर्चाएं चल ही रही थी कि रविवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज रोहित आर्य के बीजेपी में शामिल होने की खबर आ गई। मुनव्वर फारूकी को जमानत देने से इनकार कर सुर्खियां बटोरने वाले जस्टिस आर्य ने रिटायरमेंट के 3 महीने बाद ही बीजेपी का दामन थाम लिया।
वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कोलकाता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी और चुनाव में जीत हासिल कर अब वो बीजेपी सांसद बन गए हैं। ऐसे में जस्टिस दास के भी बीजेपी में शामिल होने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि उन्होंने जस्टिस गंगोपाध्याय के बीजेपी में शामिल होने के तरीके की आलोचना की है, लेकिन उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें कि जस्टिस दास अपने फैसलों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहे हैं। अपने एक फैसले में उन्होंने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कई बार जजों की टिप्पणी गलत संदेश दे देती है। और अब जस्टिस के एक और बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर ऐसे ही न्यायमूर्तियों का झुकाव राजनीतिक दलों की तरफ नजर आता रहा तो न्यायपालिका कब तक निष्पक्ष और पारदर्शी रह पाएगी। हाईकोर्ट जजों के राजनीति में उतरने से कई सवाल उठने लगे हैं, निशाने पर बीजेपी आ गई है। इस बीच शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। तो क्या कुछ कहा संजय राउत ने, देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी की हार के बाद से इंडिया गठबंधन में जश्न का माहौल है। इसे मोदी सरकार की हार बताया जा रहा है। उपचुनावों के परिणामों को लेकर शिवसेना यूपीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि जो सीटें बीजेपी की थी उन्हें हमने छीन लिया, यानी लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने जो संविधान बचाने के लिए लड़ाई शुरू की थी वो लड़ाई जारी है। वहीं सीएम शिंदे के आवास पर चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात पर भी राउत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब तक नायडू एनडीए में है उनका ये मेल मिलाप चलता रहेगा, लेकिन जिस दिन नायडू एनडीए से अलग हो जाएंगे तो फिर उनका अलग घर होगा। यानी संजय राउत ने साफ कर दिया कि नायडू ज्यादा दिनों तक एनडीए में नहीं रहेंगे और उनका घर इंडिया गठबंधन है और वो जल्द ही इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। दरअसल चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने 2019 का चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ा था। 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद टीडीपी अचानक ही एनडीए के साथ चली गई और बीजेपी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ा। लोकसभा चुनाव में टीडीपी को 16 सीटें मिली हैं और केंद्र की बीजेपी सरकार इस बार टीडीपी के समर्थन से ही बन पाई है, क्योंकि बीजेपी बहुमत से दूर रह गई है। और बुलेटिन के आखिर में बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की। राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश हुई। ट्रंप बाल बाल बच गए, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। रविवार की सुबह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले की खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप चुनावी भाषण दे रहे थे। ट्रंप ने भाषण शुरू ही किया था कि 20 साल के एक युवक ने उन पर गोली चला दी। गोली ट्रंप के कान को छूते हुए गुजर गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने तुरंत ही हमलावर को ढेर कर दिया। सुरक्षा गार्ड ट्रंप के चारों तरफ घेरा बनाकर उन्हें हॉस्पिटल ले गए। फिलहाल ट्रंप सुरक्षित है, इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने शूटर का नाम थॉमस मैथ्यू क्रुक्स बताया है। वो रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य के रूप में रजिस्टर्ड है। यहां तक कि उसे नेशनल मैथ एंड साइंस इनिशिएटिव से $500 का स्टार पुरस्कार भी मिल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी JD वेंस ने पूर्व राष्ट्रपति पर हुए हमले के लिए जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया है। हमले के बाद ट्रंप ने बयान जारी करते हुए सीक्रेट सर्विस को धन्यवाद दिया और साथ ही कहा कि अमेरिका में इस तरह की हिंसा का कोई स्थान नहीं है। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की तो भारत ने भी इस पर चिंता जताई है। पीएम मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस तरह के कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए ट्रंप के जल्दी ठीक होने की बात कही है। नाटो महासचिव जेंस स्टॉल्टेनबर्ग ने कहा कि मैं पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हुए हमले से स्तब्ध हूं। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति पर हमला हुआ हो। अमेरिका में इस तरह के हमलों का इतिहास रहा है। बहरहाल ट्रंप अब सुरक्षित है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए DB Live। नमस्कार।